इस वक्त बिहार में सत्ता की नई धूप खिल चुकी है और सत्ता के सपनों पर चोट से उम्मीदों का सूरज डूब चुका है। सर्दी में कमल खिल चुका है। आधी रात होते होते हार से आरजेडी की लालटेन खामोश हो गई है और उम्मीदों के रथ पर सवार तेजस्वी यादव चुनावी रेस की फिनिशिंग पॉइंट पर आकर चूक गए हैं। एनडीए 125 सीट और महागठबंधन 110 सीटों के फाइनल रिजल्ट के साथ सत्ता के नए चौराहे पर खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि बिहार ने अपना जनादेश साफ कर दिया है। इस जनादेश के मुताबिक नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की बागडोर संभालने जा रहे हैं। कांटे की टक्कर में एनडीए को 125 सीटों पर जीत हासिल हुई तो वहीं महागठबंधन 110 सीटों पर सिमट गया। बिहार की कुर्सी सातवीं बार सुशासन बाबू के स्वागत के लिए तैयार है। नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए को जीत का आंकड़ा हासिल हो चुका है। किसी रोमांचक क्रिकेट मैच की तरह चुनावी नतीजों का आंकड़ा आता रहा। कोरोना संकट और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान की वजह से गिनती का काम धीमी रफ्तार से चल रहा था, जिसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से भी देर रात तक अपडेट दिया जाता रहा। वैसे रुझानों में देर शाम के बाद ही नीतीश सरकार की वापसी के ठोस संकेत मिलने लगे थे, लेकिन फाइनल आंकड़ा 11 तारीख के सुबह 4 बजे आया और 243 सीटों की तस्वीर साफ हो गई। एनडीए में 74 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जेडीयू की झोली में 43 सीटें आईं। विकासशील इंसान पार्टी और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की 4-4 सीटों के साथ एनडीए ने 125 सीटों पर जीत हासिल कर ली। आरजेडी के खाते में 75, कांग्रेस की 19 और वामपंथी पार्टियों की 16 सीटों के साथ महागठबंधन का आंकड़ा 110 पर आकर सिमट गया। बीजेपी ने जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व को दिया है। बिहार के जनमत ने स्पष्ट किया है कि बिहार में विकास, शांति, लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव के शासन को निरंतर रूप से जनता ने अपना पूरा समर्थन दिया। ये बिहार की जीत है, ये बिहार की जनता की जीत है और ये उन सबों की जीत है जो बिहार के विकास में विश्वास करते हैं। चुनाव नतीजों में बीजेपी एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में आ गया है। क्या नीतीश कुमार के लिए भी नया संदेश देने की कोशिश हो रही है? केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि ये मोदी जी की जीत है, उनकी ड्राइविंग की वजह से हमारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई। अश्विनी चौबे ने ये भी कहा कि अगर नीतीश कुमार चाहें तो केंद्रीय नेतृत्व उनके केंद्र में आने पर फैसला लेगा। उधर जेडीयू का कहना है कि एनडीए की तरफ से जल्द ही सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। हर लोगों का कहीं न कहीं आवश्यकता पड़ती है। अब ये केंद्रीय नेतृत्व इसका निर्णय करेंगे और साथ ही मिल के करेंगे। हमारे ये पूरी जिम्मेवारी हमारे आज के जो मैन ऑफ द मैच हमारे श्री नीतीश कुमार जी हैं, ये उनको तय करना है। वो हमारे नेता हमने घोषित किया है, उनको तय करना है कि हम किस प्रकार से अच्छी लड़ाई लड़ें। बिहार को डबल इंजन की सरकार का विकास का जो है हमें करना है। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घोषित उम्मीदवार नीतीश कुमार जी थे, उनके चेहरे पर वोट मिला है तो निश्चित तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बनेंगे। कुल मिलाकर बिहार की जनता ने सुशासन बाबू के लिए एक और पारी का जनादेश दिया है और इस नई पारी की नई टीम कैसी होगी इसका इंतजार बाकी है। आज तक जो नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।